वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पर आज आप लोगों से मुझे कुछ कहना है कि यार आप लोग इतने कंजूस क्यों हो। मैं हर बार बोलती हूँ लाइक माई वीडियो। अरे या तो वीडियो को लाइक करो, और अगर लाइक नहीं करना चाहते हो तो उसका रीजन मुझे कमेंट करो। मैं भी तो सुनूँ आप लोगों की कंजूसी का राज। चलो अभी सभी शिकायतों को छोड़ो, आप लोगों का मैं फिर से वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। अभी हम राजस्थान में हैं और यहाँ मनाए जाने वाले एक फेस्टिवल तीज की कुछ झलकियाँ मैंने आप लोगों के लिए शूट की हैं। सो उसको इंजॉय करते हैं। आई लव फेस्टिवल, और फेस्टिवल है तो इंजॉय, खाना पीना और घूमना फिरना तो बनता ही है। सो तीज के एक सेलिब्रेशन, कुछ झूले लेने के बाद में हम निकल गए हैं आज जयपुर विजिट पे। मैं आज आप लोगों को एक पर्टिकुलर जगह न दिखाकर अपने साथ उन सब जगहों पे लेके जाऊंगी जहां हम 2-3 दिन घूमे हैं। तीज सेलिब्रेशन के नेक्स्ट डे हम आ गए सुबह सुबह एक मॉल में, जहां से हमने एक अच्छी कॉफ़ी से दिन शुरू किया। और कॉफ़ी पीने के बाद में अब हम निकल रहे हैं अपनी पैम्परिंग के लिए। जी हाँ, क्योंकि इतने ट्रेवल के बाद बालों को पैम्पर करना मेरा सबसे फेवरेट काम है। अब थोड़ा रेडी सेडी हो जाते हैं और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। एक अच्छी हेयर स्टाइल करवा के अब हम लोग निकल गए हैं एक मेरे पर्सनल फेवरेट रेस्टोरेंट। वो इसलिए क्योंकि हम सालों से इसी रेस्टोरेंट आ रहे हैं और ये ही सेम फूड हम ऑर्डर कर रहे हैं। पता नहीं हम लोग इस सेम फूड से बोर क्यों नहीं हो रहे हैं। हमें रेस्टोरेंट कहीं पे भी जाना हो, हम घूम फिर के जयपुर में इसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और ये सेम फूड हम ऑर्डर करते हैं। इसलिए ये रेस्टोरेंट हमारा पर्सनल सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है। कुछ भी कहो, कुछ चीज़ें आपकी ऑल टाइम फेवरेट होती हैं और वो सेम ही होती हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही ये रेस्टोरेंट और इसका फूड, ना तो इसका सालों से टेस्ट चेंज हुआ है और ना ही हमारे टेस्ट बड्स चेंज हुए हैं। सो कहीं पे भी खाओ, लेकिन आपको अगर खाने का मज़ा आ रहा है तो वो आपका फेवरेट खाना और फेवरेट रेस्टोरेंट ही होगा। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाना तो बनता ही है। अच्छी आइसक्रीम खाने के बाद अब हम निकल गए हैं इस शहर को देखने। देखो ना ये शहर, इसकी तो तासीर ही गुलाबी है। यहाँ की हर सुबह हर शाम गुलाबी है। ये बाबू बाजार और चांदपोल की ये सकरी गलियाँ, जगह जगह से खाने की चीज़ों की खुशबू। अभी हम यहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकते क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिलने वाली है, वरना ये बाज़ार तो घूमना बनता ही है। मैं तो कितनी ही बार यहाँ पे आई होंगी, हर बार मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। देखिए ना, इस खूबसूरती के लिए कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं है, बस मन करता है देखते रहो और इन सब हवाओं को, फिजाओं को महसूस करते रहो। ये देखिए आप खूबसूरती का नज़ारा। आपको इतना खूबसूरती से कितने सुंदर आर्किटेक्चर्स को सहजे हुए, कैसे अपने आप को प्राउड फील करता हुआ ये हवा महल। जाने कितनी ही बार देखा होगा मैंने इसको, लेकिन हमेशा इसको फिर से देखने का मन करता है। आज आपको जयपुर घुमाने के साथ साथ मैं यहाँ राजस्थान के आर्ट और कल्चर का भी एक छोटा छोटा रूप आपको दिखाने वाली हूँ। आज हम एक काम से आए हैं और उसके थ्रू मैं आपको राजस्थान का एक फेमस आर्ट भी दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, हम लोग आए हैं अपने बैंगल्स में लाख भरवाने। ये भी हमारे राजस्थान का, यूँ कहो कि जयपुर का एक आर्ट है। लाख की चूड़ियाँ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मिलती हैं और यहाँ की फेमस भी हैं। हम जिनसे लाख भरवा रहे थे वो अंकल आंटी बहुत ही क्यूट अंकल आंटी थे और इस आर्ट के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें बता रहे थे।
आप भी देखिए कि कैसे एक हस्तकला, कुछ पारंपरिक लोगों ने कितना बखूबी से इनको सहेजा हुआ है। पता है, घूमने का फ़ायदा यही है कि आप किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, आप वहाँ का लोकल हुनर जानते हैं, ये छोटी छोटी बारीकियाँ जानते हैं जिनमें आपको लोगों के बारे में जानने को मिलता है, उनकी कला के बारे में जानने को मिलता है और क्या क्या अमेजिंग चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो देख के एक आपके मन को इतना अच्छा फील हो रहा होता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ट्रैवल करो। ट्रैवल करोगे तो आप चीज़ों को देखोगे और देखोगे तो आप सीखोगे। कला या आर्ट कोई भी कोई चीज़ नहीं है, ये तो सिर्फ एक तरीका है अपनी सोच को एक अच्छा रूप देने का। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किसी की कला को कॉपी नहीं कर सकता, उसे सीखना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अमेजिंग आर्ट। चलो जी, अब हमारा चूड़ियों में लाख बनवाने का काम कंप्लीट हो गया है और हम निकल गए हैं MI रोड की तरफ। और MI रोड पे आए हैं इस चौराहे पे, ये फेमस लस्सी वाले को देख के हमने सोचा कि हमें ये केसर लस्सी तो पीनी ही चाहिए। सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है ये MI रोड। अभी मैं आपको व्लॉग में सारी नहीं दिखा पाऊँगी लेकिन ये अमेजिंग जगह है जहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड और व्यू और आर्किटेक्चर सब कुछ बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। तो हमने लस्सी के मज़े लिए इस सुंदर से व्यू के साथ में। अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हैं तो आपको जयपुर की ये फेमस लस्सी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत भी लस्सी के इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये लस्सी बहुत अच्छी लगने वाली है। मॉडर्न हाईटेक बिल्डिंग का ज़माना है लेकिन इन पुरानी इमारतों में नशा है। जयपुर तो यार, आप बापू बाज़ार से निकलो या अजमेरी गेट से, MI रोड से निकलो या पत्रिका गेट से, चारों तरफ ये खूबसूरती का खजाना है और एक परफेक्ट एग्जांपल है मॉडर्नाइजेशन और ओल्ड कल्चर का। चलो, सारे दिन के खाने पीने और मौज मस्ती में दिन बिताने के बाद अब मैं आपको बहुत ही अमेजिंग जगह पर लेके जाने वाली हूँ। ये है हमारे जयपुर का अल्बर्ट हॉल। ये अल्बर्ट हॉल जयपुर में रामनिवास गार्डन के पास में बना हुआ है और इसको इतना खूबसूरती से बनाया गया है कि इसको म्यूजियम ऑफ राजस्थान के रूप में नॉमिनेट भी किया गया है। एक्चुअल में ये म्यूजियम मैंने अंदर से कभी नहीं देखा लेकिन बाहर सुबह सुबह का व्यू मेरा इसका सबसे फेवरेट व्यू है। इस इतनी सुंदर बिल्डिंग के पास में जो कबूतरों का हुजूम लगा रहता है, उन सब पे बैठे हुए आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, वो मेरा सबसे फेवरेट टाइम है। मैं यहाँ आना भी सुबह ही चाहती थी लेकिन बाई चांस अभी सुबह टाइम नहीं होने के कारण अभी शाम को आए हैं। तो चलो, अब मैं भी आप लोगों के साथ ही देखने वाली हूँ शाम के टाइम इस म्यूजियम का लुक। ये जो अल्बर्ट हॉल है ये अपने इम्प्रेसिव आर्ट और डिज़ाइन के लिए बहुत फेमस है।
इसे 1876 में प्रपोज किया गया था जब वेल्स के प्रिंस जो थे अल्बर्ट एडवर्ड वो जयपुर आए थे। ये म्यूजियम लंदन में जो म्यूजियम बना हुआ है अल्बर्ट म्यूजियम उससे काफ़ी मिलता जुलता है। ये जो म्यूजियम जो बना हुआ है वो जयपुर के लोकल मार्केट के बीच में बना हुआ है और इसकी बिल्डिंग आपको दूर से ही अट्रैक्ट करती है। ये अपने रिच कल्चर ऑफ पेंटिंग, ज्वेलरी, कारपेट, हाथी दांत और जो पत्थर, स्टोन और धातुओं की जो मूर्तियां होती हैं उन सब चीज़ को सहेजने के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे आपको म्यूजियम के अंदर वो सब चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर दिखाई भी देंगी। जैसे ही आप हॉल में एंटर करते हैं आपको फर्स्ट सेक्शन जो देखने को मिलेगा वो है कारपेट गैलरी एरिया, जिसमें आपको अलग अलग डिजाइंस और अलग अलग कलर्स की कारपेट देखने को मिलेंगी जो उस समय राजा महाराजाओं द्वारा यूज भी की जाती थी और कुछ इंटरनेशनली उनके द्वारा लाई गई थी जो बाहर के देशों की थी और वो यहाँ पे संग्रहालय में सहेज के रखी हुई है। यहाँ पे आप गाइड भी कर सकते हैं लेकिन हमने गाइड नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पे जगह जगह पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं जिन पे आपको उन गैलरीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो एरिए में कौन सा सामान कहाँ से ला के रखा गया है या वो लोकल है या बाहर से कोई राजाओं को गिफ्टेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन बोर्ड पे डिस्प्ले में मिल जाती है। इस म्यूजियम को बनाने का मेन जो मोटिव था वो राजस्थान की कल्चर और आर्ट को प्रिजर्व करना था। इसमें लोकल आर्ट और कल्चर के अलावा बाहर की जैसे जापान, श्रीलंका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि से इंटरनेशनल आर्ट, कारपेट और कुछ अच्छे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पीसों को भी यहाँ पे रखा गया है जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग था। देखो आप राजस्थान में हो तो उसमें तो आपको शाही कलेक्शन, आर्ट और लोकल कल्चर आपको भर भर के देखने को मिलेगा। एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल डिफरेंट। अगर आप आर्ट के शौकीन हो तो राजस्थान आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। दुनिया के लिए दुनिया भर के कितने ही टूरिस्ट हर मौसम में यहाँ पे आते हैं। अपने इतने रिच कल्चर और अपनत्व से भरा हुआ शहर ये किसको पसंद नहीं आएगा। ये जो ज्वेलरी यहाँ पे रखी हुई है ये दिखा रही है कि हम शुरू से आर्ट के शौकीन रहे हैं। ये अल्बर्ट हॉल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ के राजस्थान के आर्ट और कल्चर को दिखाने का और हमारे जो पूर्वज जो राजा महाराजा थे, लोकल आर्टिस्ट थे, उन सब की कलाओं को एक साथ सहेजे हुए। लो जी, हमने भी अपनी इस खूबसूरत शाम को इस कठपुतली आर्ट जो कि राजस्थान का फेमस आर्ट है जिसमें छोटी छोटी गुड़िया और गुड्डों के साथ में एक पूरी कहानी कैसे बच्चों को सुना दी जाती है तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और अब हम निकलेंगे अपने घर की तरफ। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय एवरीवन।